जय श्रीमन्नारायण। निम्नोक्त जो बिवरणी मु आपण मानक देवाक जाउछि ताहा पंडित रामानुज दास ओ श्रीमान गट्टु बेनिगोपाल स्वामी महाशय द्वारा उल्लेखित। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 10 कर्मयोग। सहयज्ञैः प्रजासृष्ट्या पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् येशवोस्त्विष्ट कामधुक ओम। गीताचार्य श्रीकृष्ण परमात्मा अर्जुन माध्यमरे आम समस्तंकु कर्मयोगर शिक्षा देउछंती। परमात्मा कहउछंती, हे अर्जुन, तो जीवनर यात्रा संपूर्ण भावरे यज्ञ करिवारे समर्पित हेबा दरकार। एही यज्ञ कामधेनु परि जे कि इच्छा पूर्तिकारी गोमाता तते समस्त इच्छा ओ कामना को परिपूर्ण करिब। हे अर्जुन, सेथिपाई श्रीमन्नारायण ये सृष्टिर सर्जना कला बेले यज्ञ सबु रचना करिछंती। एही यज्ञ द्वारा प्रत्येक व्यक्ति सेमानंकर इच्छा ओ कामना को परिपूर्ण करि परिबे। ता संगे संगे जीवनर मूल लक्ष्य मुख्य को मध्य प्राप्ति करि परिबे। परमात्मा निजे यज्ञ सबु आम मानक पई मुख्य प्राप्ति पई प्रदान करछंती। एही परि भावरे भगवान आम समस्तंकु आशीर्वाद स्वरूप वर्णना करुछंती जे यज्ञ करिबा प्रत्येक जीव पई केते महत्वपूर्ण। आसंतु आमे समस्ते एही यज्ञ रे निजकु नियोजित करिबा। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। पवित्र ग्रंथ भगवत गीतार सार भगवान श्रीकृष्ण अध्याय 18 एवं श्लोक 65 रु 70 रे वर्णना करछंती। भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती, सेही व्यक्ति माने मोर अति आपणार, जे माने मोर एही 8 उपदेश को मानंती आउ पालन करंती, मु मोर सेही भक्त मानंकु सदा सर्वदा रक्षा करे, जे माने मोर एही उपदेश को मानंती एवं सेमानंक जीवन रे प्रतिपादित करंती। भगवान श्रीकृष्ण गठारु संपूर्ण भगवत गीतार ज्ञान सुनिला परे अर्जुन कहितिले, करिसे वचनम तवा, अर्थात हे श्रीकृष्ण, मु आपणकर प्रतिटि वाक्य ओ उपदेश को पालन करिबे। तार फल स्वरूप भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को समस्त प्रकारर विजय ओ सफलता प्रदान करथिले। आसंतु सेही परमात्मा प्रभु श्रीकृष्णों पाखे यही 8 वाक्य पालन करने प्रतिज्ञा ने आपण मैने वाक्य को मन और हृदय ध्यान करूँ। ध्यान करने समय भगवान श्रीकृष्ण छवि को मन मंदिर में रेखांकित करूँ। जय श्रीमन्नारायण। यह हूँ से ही 8 वाक्य जहाँ को आम मैने प्रतिज्ञा ने। हे श्रीमन्नारायण, आपणक निर्देश अनुसारे मु सदा सर्वदा आपण को ध्यान करी। हे श्रीमन्नारायण, मु प्रतिटि मुहूर्त रे मो हृदय रे आपणक भक्ति अर्घ्य को प्रज्वलित करि रखिबी। हे श्रीमन्नारायण, मु मो जीवन रो समस्त कर्म आउ आपणक सेवारे नियोजित करिबी। हे श्रीमन्नारायण, आपणक प्रतिटि वाक्य
और उपदेश रे मोर प्रगाढ़ विश्वास अछि आ मु संपूर्ण भावे निजको आपणक पाखरे समर्पण करुछि। मु सदा सर्वदा मोर दुई हाथ जोड़ी आपणको श्रीपदरे प्रणिपात करुछि। हे श्रीमन्नारायण, मु सर्वदा आपणक वाक्य और उपदेश को मन मंदिर रे साईति रखिबि, जेमितिकि माम एकम शरणम ब्रज, अर्थात मु सर्वदा आपणक शरण रे ही रहिबि। हे श्रीमन्नारायण, आपण कहिथिबा वाक्य मा सुचा, यही वाक्य को सर्वदा मन रखिबि। आपणक आश्वासन अनुसार मु सर्वदा आपणक सत्ता को अनुभूति करिबि, ता द्वारा मु निजको भय और दुख ठार दूर रखिपारिबि। हे श्रीमन्नारायण, आपण संसार कल्याण पई श्रीमद् भगवत भड़ी जो महान ग्रंथ प्रदान करछंती, मु प्रतिदिन गोटे श्लोक पठन करिबि अथवा शुणिबा पई प्रतिज्ञा नेउछि। हे श्रीमन्नारायण, आपण प्रतिटी मनुष्यर कल्याण पई आउ दुख को हरण करिबा पई जेउ श्रीमद् भगवत भली महान ज्ञान प्रदान करिछंती, तार प्रचार और प्रसार पई सदा सर्वदा चेष्टा करिबे। हे श्रीमन्नारायण, आपणक प्रतिटी वाक्य एवं उपदेशर पालन करिबा संगे संगे मु मोर दैनदिन व्यवहार रे ताहाकु प्रतिपादित करिबे। मु मो जीवनर प्रतिटी कर्म आपणको समर्पण करिबे। मो प्रभु श्रीमन्नारायणक ठारे मोर निष्ठा ओ भक्ति सर्वदा प्रज्वलित करि रखिबे। जय श्रीमन्नारायण। करिष्ये वचनम तवा। हे श्रीकृष्ण, मु आपणक प्रतिटी गीता उपदेश आउ निर्देशकु मो जीवनर प्रतिटी कर्म रे संपादना करिबि ओ आपणक पादकमळरे मोर भक्ति यज्ञ प्रदान करिबि। जय श्रीमन्नारायण। सहयज्ञैः प्रजासृष्ट्या पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् येशवोस्त्विष्ट कामधुक। ओम सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् येशवोस्त्विष्टकामधुक। ओम श्रीमन्नारायण करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। समस्त भक्तमानंकु एक विशेष अनुरोध। भक्तवृंद, आम जीवन रे आमे समस्त कामरे शीघ्र और यथार्थ फल पाइबा आशा रखिथा। यही फल प्राप्ति करिबा पाई आसंतु प्रतिदिन गोटे मिनिट आमे नारायण अस्त्रम पाठ करिबा किंबा शुणिबा। नारायण अस्त्रम पठन करिबा पाई दया करी www.narayanastram.org वेबसाइट को जानतु। ये वेबसाइट रे आपण को ईमेल दे रजिस्टर करंतु। तापरे आपण माने ईमेल द्वारा एक पीडीएफ फाइल पाइबे। यही पीडीएफ फाइल रे गोटिए रामायण श्लोक, गोटिए गीता श्लोक ओ गोटिए विष्णु नामम रहिछि। यही तीनोटीर मिश्रण को नारायण अस्त्रम कहा जाए।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଣର ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ର ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଭକ୍ତ ଅନ୍ୟ 24,000 ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଶୁଣିବେ କିମ୍ବା ପଠନ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ପରାୟଣ ଗୋଟିଏ ଥର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପରାୟଣ 33 ଥର, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପରାୟଣ 24 ଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ କଲେ କିମ୍ବା ଶୁଣିଲେ ଏହା ଆମକୁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଓ ଅସାଧାରଣ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦୟାକରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନାରାୟଣ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ।